काशीपुर के कृष्णा हॉस्पिटल के उधम सिंह नगर के ऊपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया। अधिकारी की तहरीर पर काशीपुर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। मसूरी के मॉल रोड पर हुटर बजाने को लेकर हुआ हंगामा। वीआईपी के सुरक्षा कर्मियों ने की दबंगई दिखाते हुए सामाजिक कार्यकर्ता की पिटाई। बंदूक दिखाकर मारने की धमकी भी दी। आक्रोशित लोगों ने पुलिस से मामले की कार्रवाई की मांग को लेकर नारेबाजी की। 5 गाड़ी के काफिले के साथ नो एंट्री में वीआईपी ने एंट्री। रानी झील के सौंदर्यकरण के लिए धनराशि हुई स्वीकृत। जिला योजना से मिले 15 लाख रुपए। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने किया शिलान्यास। लोक संस्कृति से जुड़े लोक कलाकार संघ की अल्मोड़ा में बैठक हुई। सांस्कृतिक दलों ने बैठक में सरकार से 3 सूत्र मांग रखी। लोक कलाकारों को मानदेय बढ़ाए, साथ ही लंबित बिलों के भुगतान और सांस्कृतिक दलों के पंजीकरण की भी मांग। टिहरी के अटाली गांव के लोग दहशत में जीने को मजबूर। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के तहत हो रहा है सुरंग का निर्माण। लोगों के खेतों और घरों में पड़ रही है दरार। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पौड़ी जिले में क्षतिग्रस्त बागहाट पुल से बड़ी ग्रामीणों की समस्या। पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही है। जरूरी सामान पाने के लिए महंगे दाम चुकाने को मजबूर है ग्रामीण। रुड़की ईंट भट्टा संचालकों की मनमानी पर कार्रवाई। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन का पालन न करने पर 40 ईंट भट्टों को नोटिस। नई जिगजैग ब्रिक तकनीक का नहीं कर रहे हैं इस्तेमाल। उत्तर भारत के साथ उत्तराखंड में भी कड़कड़ाती ठंड में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तक कि मंदिरों में भगवान को ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े में पहनाए गए। G20 सम्मेलन की पहली बैठक को लेकर आगरा प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुटा। आला अधिकारियों ने डेलीगेशन के रूट का जायजा लिया। भीषण ठंड से पशु पक्षियों को बचाने के लिए कानपुर चिड़ियाघर से खास इंतजाम किए हैं। अजगर को उड़ाया गया कंबल। बाघ को हीटर दे रहा है गर्मी। भालू को आइसक्रीम की जगह दे रहे हैं अंडे। अंबेडकर नगर के राजकीय मेडिकल कॉलेज में छात्राओं का हंगामा। आक्रोशित छात्राओं ने बंद कराई ओपीडी। टांडा एसडीएम और सीओ मौके पर पहुंचकर छात्राओं को समझाने में जुटे। जम्मू के राजौरी में 5 हिंदुओं की हत्या के विरोध में सड़क पर उतरी करनी सेना। अलीगढ़ में करनी सेना ने पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट में डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। आगरा में हिंदुवादी संगठन ने एएसआई ऑफिस पर किया प्रदर्शन। ताजमहल के अंदर नमाज बंद कर दी और शिवरात्रि पर जलाभिषेक की मांगी अनुमति। एएसआई ऑफिस पर दिया धरना। कौशाम्बी में विवादित जमीन पर अवैध निर्माण रोकने गई पुलिस टीम पर पथराव। पुलिस ने हमले के मुख्य आरोपी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। एसपी ने घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल पहुंचाकर हालचाल जाना। आगरा कैंट स्टेशन पर यात्री अपनी ट्रेनों का घंटों करते रहे इंतजार। आगरा मंडल से गुजरने वाली लगभग 10 ट्रेन अपने समय से घंटों देरी से पहुंची। रेलवे स्टेशन पर भी ठंड से उभरने का कोई नहीं इंतजार। माघ मेले को लेकर योगी सरकार का फैसला। मेले में मांस और मदिरा बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। संतों ने किया सरकार के फैसले का स्वागत। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।